हेलो, दिस इज प्रांजल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेक एट 7 के। फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक केटल। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है और जो प्रोडक्ट है काफ़ी काम आने वाला है उन लोगों के लिए जो कि अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, या फिर हॉस्टल में रहते हैं, या फिर बैचलर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी काम आने वाला है ठंडियों में। तो इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। इस प्रोडक्ट में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसको मैं आपको बताऊँगा, इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है और ये प्रोडक्ट आपके लेने लायक है कि नहीं है, तो इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो हम आप बॉक्स देख रहे हैं, ये हमको बॉक्स मिला है और आप देख सकते हैं इसकी किस तरह से हालत करके भेजा है इन्होंने। मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही ख़राब हालत है और इसमें आपको ये भी लगता होगा कि प्रोडक्ट बचा होगा कि नहीं बचा होगा। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पैक पर दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, प्रेस्टिज इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है और एलिगेंट डिज़ाइन, वाइड माउथ फॉर इजी क्लीनिंग, कूल टच हैंडल एंड लिड, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन इसकी बताई गई है। इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस जो मार्क प्राइस है वो है 1095 रुपीज़ और इसमें वोल्टेज का अगर बात करें तो 230 वोल्ट और 1500 वॉट्स का है यहाँ पर वोल्टेज और अक्टूबर 2018 में इसको इम्पोर्ट किया गया है। तो बस यही सब है इसमें दिखाने के लिए पैक के ऊपर। अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ जिससे कि आप बेटर जान पाएंगे कि प्रोडक्ट जो है बच्चा भी है कि नहीं। तो ये हमारी केटल इस तरह से हमको मिल जाती है और ये जो उसका बेस है यहाँ पर हमको मिलता है, इसको भी साइड में रख देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं ये जो हमारा यूज़र गाइड है वो दी गई है यहाँ पर। इसको आप तो पूरा पढ़ के इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं फिर से एक बार कि कितनी बुरी हालत है प्रोडक्ट की। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक केटल और मैं इसको इधर रखता हूँ, पहले दिखाता हूँ आपको इसका बेस। तो आप देख सकते हैं ये इसका बेस और ये यहाँ पर जो कनेक्टर है मैग्नेटिक कनेक्टर दिया गया है और यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है प्रेस्टिज की। और मेन प्रॉब्लम जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट मुझे मिला था इस तरह से टूटा हुआ मिला था। और आपकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें इस प्रोडक्ट की, ये जो प्लास्टिक का बिल्ड है बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ख़राब बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पर। जैसे प्रेस्टिज जैसी बड़ी ब्रांड के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह बिल्ड क्वालिटी ये दे सकता है। और आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी वीक प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया जो कि आसानी से टूट सकता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी जो वायर की लेंथ की, तो काफ़ी लोग आप सोचते होंगे कितनी लंबी वायर होगी इसकी, तो ये काफ़ी लगभग 0.8 मीटर की यहाँ पर वायर दी गई है। पूरा 1 मीटर नहीं, लगभग 0.8 मीटर की वायर है यहाँ पर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रिक केटल की तरफ। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक केटल और आप देख सकते हैं जो इसका स्टील की क्वालिटी है। जब आया था ये तो यहाँ से पिचका हुआ था, मैं आपको जो लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, तो उसका मैं जो लाइव अनबॉक्सिंग किया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टील की क्वालिटी है अच्छी है यहाँ पर, बट जो यहाँ के प्लास्टिक की क्वालिटी है उतना ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रेस्टिज जैसी ब्रांड की तरफ से। यहाँ जो प्लास्टिक क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं चीप प्लास्टिक यहाँ पर दिखता हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टर दिया गया है जो कि यहाँ पर इस तरह से जो इसका बेस है इसमें फिट हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ फिट करके, तो इस तरह से बेस है, इसके ऊपर आप आसानी से इस तरह रख सकते हैं और ये 360 डिग्री मूव कर सकता है, तो आप इसको आसानी से मूव भी कर सकते हैं। और आप इसको यूज़ करते समय, यानी कि जब ये कनेक्ट रहता है लाइट से, तब भी आप इसको मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती। तो चलिए मैं इसको केटल को ओपन करता हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाता है। मैंने इसको एक बार यूज़ किया था, पानी इसमें गर्म किया हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो पानी के धब्बे हैं वो पड़ गए हैं, उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। बट आप इसमें पानी रेगुलर ना रखें, नहीं तो इसमें जो रस्ट का प्रॉब्लम वो हो सकता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में भी कभी कभी रस्ट लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है स्टील की अच्छी है वैसे, इसमें स्पेस भी काफ़ी अंदर दिया हुआ है, आप इसके अंदर अपना हाथ जो है आसानी से डाल के साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं हाथ डाल के आराम से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, तो क्लीनिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।
बट साफ करते समय ध्यान रखिए जो वाटर है वो यहाँ पर ना जाए, नहीं तो सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये जो स्विच दिया गया है इसको अगर ऊपर आप करेंगे तो ये जो लाइट है ये ब्लिंक करती है यहाँ पर, और जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ये ऑटो कट स्विच है, जैसे जो आप पानी जैसे उबाल रहे हैं इसमें पानी गर्म कर रहे हैं तो जब खोलने लगता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है अपने आप, ऑटो कट स्विच है। मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, काफ़ी चीज़ इसमें आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, और इसमें पानी उबाल के आपको दिखाऊंगा, मैगी बना के आपको दिखाऊंगा, सूप बना के आपको दिखाऊंगा, तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों बात करें इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, तो अगर टेक्निकली बात करें तो इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो कि नाइक्रोम वायर्स की कॉइलिंग होती है और वो बहुत ही जल्दी हीट करता है इस केटल को, और उससे कनेक्टेड रहता है एक थर्मोस्टेट जो कि नाइक्रोम वायर्स का जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करता है, ज़्यादा ओवर हीट नहीं होने देता है और हीट को जो है रेगुलेट किया रहता है। और अगर बात करें कि जो ऑटो कट फीचर है इसमें जो स्विच है अपने आप ऑटो ऑफ हो जाती है, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी होती है कि इसमें जो लिड है इसके नीचे जो ये आप हैंडल देख रहे हैं वहाँ से एक होल होता है जो जहाँ से स्टीम होके अंदर जो सर्किट है वहाँ पर आती है, वहाँ सर्किट पे एक वायर लगा रहता है जो कि अगर ओवर हीट होता है जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है और जो स्विच है अपने आप ऑफ हो जाती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। तो इस तरह यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर कोई यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर वेपर प्रेशर का यूज़ से जो स्विच है वो ऑटो स्विच ऑफ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसकी हम दिखाते हैं आपको वर्किंग किस तरह से वर्क करता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम गर्म करने वाले इसमें पानी को, और यहाँ पर वाटर को बॉयल करेंगे हम, और यहाँ पर स्टॉप वॉच लगाएंगे जिससे कि आप देख सकेंगे कि वाटर कितने टाइम में बॉयल हो यहाँ पर हो जाता है, कितने टाइम में खोलने लगता है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके यहाँ पर पानी डाल देता हूँ, मैं इसको हाफ फिल लगभग कर देता हूँ। एक मग मैंने लगभग पानी इसमें डाल दिया है और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब और यहाँ पे स्टॉप वॉच आप देख सकते हैं, तो चलिए मैं इसको ऑन करूँगा, पावर भी ऑन करूँगा दोनों एक साथ, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं नीचे जो लाइट है रेड लाइट यहाँ ब्लिंक कर रही है, और आप हल्का हल्का देखेंगे तो यहाँ पर जो वाटर का बॉयल हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का हल्का जो वेपर है वो भी बाहर आ रहा है। इसको बंद कर देता हूँ जिससे कि जल्दी से हमको रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो वाटर है काफ़ी यहाँ पर खोलने नहीं लगा है बल्कि यहाँ पर काफ़ी धुआं निकल रहा है पानी के अंदर से। देखते हैं कितना टाइम लेता है खोलाने में इस पानी को। देखते हैं पानी की क्या हालत है, लगभग पानी खोलने ही वाला है, बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट 20 सेकंड में इतना पानी खोलने लगा है, लगभग देखिए जो बबल्स हैं वो बाहर आ रही हैं 3.5 मिनट में। ये देखिए पानी एकदम से खोल रहा है 3.5 मिनट में, 3:40, और ये देखिए पानी एकदम से खोलने लगा है। इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। ऑटो कट फीचर यहाँ पर वैसे है, देखिए अपने आप बंद हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो बंद हो गया है, मैं टच करने ही वाला था बट उसने अपने आप बंद कर लिया। तो चलिए इस पानी में आपको दिखाता हूँ मैगी को बना के, मैं इसमें यहाँ डायरेक्ट मैगी डालने वाला हूँ, तो मसाला निकाल लेता हूँ, इसी में चला जाएगा। तो मैं जो मैगी है उसमें डाल देता हूँ। जो हॉस्टल लाइफ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सिंगल पर्सनस हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये फूड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैगी है,
इसको हम बंद करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं मैगी को बना के। मैं पहली बार बनाने जा रहा हूँ तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है, इसको आप मूव भी करा सकते हैं चलाते समय भी, पर आप नीचे रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। काफ़ी तेज़ी से धुआं निकल रहा है यहाँ पर, और यहाँ आप देख सकते हैं मैगी बहुत तेज़ी से खोल रही है, तो तेज भाप लग रही है तो हाथ जल जाएगा आपका अगर इतना वो करेंगे तो। चलिए देखते हैं ऑटो कट होता है कि नहीं। ऑटो कट देखिए हो गया अपने आप, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप ऑटो कट हो गया है क्योंकि भाप बहुत ज़्यादा हो गई थी उसके अंदर, तो ये ऑटो कट हो गया। अब इसको ओपन करके पका सकते हैं, बंद कर देंगे तो ये लिड जो है बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से, आप देख लीजिए। और दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक कटर लीजिएगा तो चौड़े मुंह वाला लीजिएगा, उसमें आपको चलाने में भी आसानी रहेगी और धुलने में भी आसानी रहती है उसमें। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो मैगी है वो बन चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ उसको किस तरह आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसकी जो लिड है इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सर्व करने में, तो इसकी लिड को भी आप डिटैच अटैच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आवर मैगी इज़ रेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ईट इट, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से धुलूँगा और उसमें आपको दूध उबालना दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए हैं और हम अब इसमें आपको जो दूध है उसको उबाल के दिखाएंगे, दूध को गर्म करके उबाल के दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले जो अपना जो बर्तन है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, मैंने मैगी बनाने के बाद इसको अच्छे से धुल लिया है और इसमें आप पानी दे सकते हैं खाली, और अच्छे से धुल लिया नहीं तो दूध फट सकता है, तो इसलिए मैं पहली बार उबालने जा रहा हूँ, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है तो मैं आपको दूध डालने जाऊँगा। ये फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप बाहर रहते हैं और ठंडियों में खास करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो हमने यहाँ पर दूध को डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, पानी इसलिए डालेंगे जिससे कि जो ज़्यादा गाढ़ा दूध जो है उसकी सरफेस से चिपके नहीं, इसलिए हम इसमें पानी भी डालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसको बंद करते हैं, इसको बंद कर देते हैं ऑन कर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार फिर से हम लगाने वाले हैं स्टॉप वॉच, हम देखेंगे दूध कितने टाइम में उबल जाता है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं हम जो लाइट है ब्लिंक कर रही है, यहाँ पर क्लियरली आप आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए 30 सेकंड में कितना उबल गया, तो देखिए अभी तो कुछ नहीं सुन रहा, तो वेपर्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा यहाँ पर जो भाप है आप देख सकते हैं निकल रहे हैं, हल्का हल्का यहाँ पर दूध जो है खोलना स्टार्ट हो गया है, क्लियरली आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूध खोलना स्टार्ट हो गया है, 2.5 मिनट ही हुए हैं अभी। ओह शिट,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम पर ना बंद करने की वजह से दूध यहाँ पर बाहर आ गया है। तो बहुत ही सावधानी से आपको दूध उबालना पड़ेगा इसके अंदर। आप इसके अंदर दूध उबाल सकते हैं कि लेकिन बहुत ही सावधानी से टाइम पे आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो केटल है उसको ऊपर उठा लेंगे या फिर उसके जो अंदर पानी थोड़ा सा डाल देंगे तो जो दूध है नीचे चला जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से आपको इसमें उबालना पड़ेगा। दोस्तों दूध गिरना अशुभ माना जाता है, इसलिए हम इस अशुभ को शुभ करते हैं और ये जो दूध है फिर से वापस ले आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट किस तरह से वर्क करता है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप बैचलर हैं तो उसमें आप पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं और तो और चाय बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है और हम इंडियंस जो होते हैं हर चीज़ का फुल यूज़ करते हैं, आपको पता ही है जुगाड़ वाला काम रहता है अपना, तो ये एकदम जुगाड़ प्रोडक्ट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक प्रोडक्ट इसका जो वर्ज़न आता है 1.7 लीटर का, उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है तो उसको धुलने में और यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है, तो मैं आपसे वही रिकमेंड करूंगा। इसका जो डिज़ाइन थोड़ा कर्वी है तो साफ़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां जाकर प्रोडक्ट देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो परचेज़ कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें अपने एक्सपीरियंस की, इस प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया करीब 15 दिन और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं तो प्रोडक्ट पानी बहुत ही जल्दी गर्म करता है और अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं अगर बिल्ड क्वालिटी को छोड़ दूं तो ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है और डिज़ाइन अच्छा है, दिखने में अच्छा लगता है। आप इसको परचेस कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए और अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको रिकमेंड करूँगा ये प्रोडक्ट। So friend, that's it in this video. If you have any doubt about this product, you can mention me in comments. I will help you at my best. So that's it in this video. Thank you. Jai Hind and Vande Mataram.